राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। ईडी ने रांची जिले के कांके अंचल के चामा गांव में छापेमारी की है। गांव के कई ग्रामीणों से पूछताछ भी की गई है। इस इलाके में जमीन की खरीद बिक्री अवैध तरीके से करने का आरोप है। जमीन कारोबारी कमलेश इस इलाके में सक्रिय था। ईडी की टीम ने जमीन कारोबारी कमलेश के ठिकाने पर भी छापेमारी करी है। कमलेश लंबे समय से फरार है। कमलेश के ठिकानों पर पहले भी ईडी की रेड हुई थी, जिसमें भारी मात्रा में नकद, गोली और कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए थे। जमीन का कारोबार करने से पहले कमलेश रांची के एक स्थानीय अखबार में फोटोग्राफर और रिपोर्टिंग का काम करता था। 19 दिन पहले रांची में जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के घर सहित कई ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है। इस रेड में 1 करोड़ कैश और 100 कारतूस बरामद हुए हैं। ईडी ने कमलेश के काके रोड के एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट के साथ साथ उसके दूसरे ठिकानों पर छापा मारा है। जांच एजेंसी के हाथ इस रेड में कई अहम सुराग भी लगे हैं। जांच एजेंसी अपने साथ कई अहम दस्तावेज भी जब्त कर ले गई है। ईडी ने हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले मामले में ये छापेमारी की है। कमलेश को ईडी ने पूछताछ के लिए समन भी भेजा था। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।